नमस्कार दोस्तों, इंडियन प्रीमियर लीग के 17 सीजन में मुंबई इंडियन ने 3 हार के बाद लगातार दूसरा मैच जीता। मुंबई टीम ने आरसीबी के खिलाफ 197 रन का बड़ा टारगेट 15.3 ओवर में हासिल कर लिया। सूर्य कुमार यादव ने 17 बॉलों पे और ईशान किशन ने 23 बॉलों पर 50 लगाई, जबकि जसप्रीत बुमराह ने 5 विकेट लिए। 17 सीजन में आरसीबी की यह 5वीं हार रही। टीम ने लगातार चौथा मैच गंवाया। वानखेड़े स्टेडियम में टॉस हारकर पहले बैटिंग करते हुए आरसीबी ने 8 विकेट के नुकसान पर 196 रन बनाए। दिनेश कार्तिक, फॉफ डुप्लेसी और रजत पाटीदार ने 50 लगाई। मुंबई ने 197 रन का टारगेट 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। मुंबई ने 15.3 ओवर में 197 रन का टारगेट चेज किया। कप्तान पंड्या ने छक्का से जिताया मैच। बेंगलुरु आईपीएल 2024 में 5वां मैच हारी है। मुंबई ने 16वें ओवर की तीसरी बॉल पर 197 रन का टारगेट चेज कर लिया। कप्तान हार्दिक पांड्या ने टीम को छक्के के साथ जीत दिलाई। उन्होंने 6 बॉलों पर 21 रन की पारी खेली, जबकि सूर्य कुमार यादव ने मात्र 19 बॉलों में 52 रन की पारी खेली। वहीं ईशान किशन ने 34 बॉलों में 69 रन का योगदान दिया। सूर्य कुमार यादव की इस आईपीएल में पहली 50। 13वें ओवर में सूर्य कुमार यादव ने अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने 17 बॉलों पर हाफ सेंचुरी पूरी की। उन्होंने टॉप लीग के ओवर में 3 चौके और 1 छक्का जमाया। दोस्तों आपको बताएं कि 9वें ओवर की 5वीं बॉल पर मुंबई ने पहला विकेट गमाया। ईशान किशन ने 34 बॉलों पे 69 रन की पारी खेली और वो आउट हुए। मुंबई इंडियंस का पहला विकेट 9वें ओवर में गिरा। 9वें ओवर की 5वीं बॉल पर मुंबई इंडियंस का पहला विकेट गिरा। ईशान किशन को आकाशदीप ने विराट कोहली के हाथों कैच आउट कराया। ओवर के बाद 9वें ओवर के बाद मुंबई इंडियंस का स्कोर 103 रन था 1 विकेट के नुकसान पर। और दोस्तों आपको बताएं कि इससे पहले 19वें ओवर में जसप्रीत बुमराह ने एक बार फिर ओवर में 2 विकेट झटके। उन्होंने तीसरी बॉल पर सौरभ चौहान और चौथी बॉल पर विजय कुमार बैसाख को पैवेलियन भेजा। बुमराह मैच में दूसरी बार हैट्रिक पर आए। उन्होंने 17वें ओवर में 2 विकेट लिए। जी हाँ दोस्तों, बेंगलुरु का इस ओवर के बाद 177 रन था 8 विकेट के नुकसान पर स्कोर। तो दोस्तों आपको बताएं कि मुंबई इंडियन ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी। वानखेड़े स्टेडियम में गुरुवार को मुंबई ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला लिया। टीम की प्लेइंग 11 में पीयूष चावला की जगह सुरेश गोपाल को मौका मिला। आरसीबी की ओर से बिल जैक्स डेब्यू कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, टीम 4 बदलाव के साथ उतरी थी। लेकिन दोस्तों आपको बताएं कि इस मैच में जसप्रीत बुमराह ने 5 विकेट लिए और मुंबई के बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव ने 17 बॉलों में 50 पूरी की और इसी के साथ मुंबई इंडियन ने 15.3 ओवर में यह मैच जीत लिया। 197 रन का टारगेट चेज कर लिया मुंबई इंडियंस ने 15.3 ओवर में। कप्तान हार्दिक पांड्या ने छक्के के साथ जीत दिलाई। मुंबई इंडियंस को कप्तान हार्दिक पांड्या ने छक्के के साथ जीत दिलाई। इंडियन प्रीमियर लीग के 17वें सीजन में मुंबई इंडियन ने 3 हार के बाद लगातार दूसरा मैच जीता है। आरसीबी के खिलाफ 197 रन का बड़ा टारगेट 15.3 ओवर में हासिल कर लिया। सूर्य कुमार यादव ने 17 और ईशान किशन ने मात्र 23 बॉलों पे 50 लगाई, जबकि जसप्रीत बुमराह ने 5 विकेट चटकाए। जी हां दोस्तों, इसी के साथ मुंबई इंडियंस की है जीत है आरसीबी के खिलाफ। और दोस्तों सूर्य कुमार यादव ने इस आईपीएल के सीजन की पहली 50 लगाई और मुंबई इंडियंस को जीत दिलाई। जी हाँ दोस्तों, पॉइंट टेबल में आरआर राजस्थान रॉयल पहले नंबर पर है और मुंबई इंडियंस 7वें नंबर पर पहुंच गई है 2 मैचों की जीत के साथ। मुंबई इंडियंस 7वें नंबर पर है 4 अंकों के साथ। मुंबई इंडियंस 7वें नंबर पर है इस आईपीएल की पॉइंट टेबल में। पॉइंट टेबल में टॉप पर है राजस्थान रॉयल और दूसरे नंबर पर है कोलकाता नाइट राइडर्स। जी हाँ दोस्तों, नई नई अपडेटों के लिए हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।